देसी स्टाइल में पास्ता बन रहा है, क्वांटिटी बहुत सारी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पास्ता बना। कितनी प्लेटें होंगी वैसे आप? 50 जितना। ये डल गया ओरिगानो, ये डल गया ऐसा मैजिक मसाला, मोमोज वाली चटनी होती है ना वो डाली जा रही है इसके ऊपर। तो भाई ये आपका देसी पास्ता बन रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, अभी लोग सारे वेट कर रहे हैं। कितनी देर में बन जाएगा ये? ये डल गया आपका जी मेयोनीज, हाफ प्लेट है 40 रुपए की। थोड़ा सा लगेगा कि हल्का सा थोड़ा और कुक होना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल ईट रिपीट। मैं हूं आपका होस्ट अनुशेखर और आज मैं आ गया हूं करोल बाग में। करोल बाग से गेट नंबर, मेट्रो का गेट नंबर 1, जैसे ही मैं नीचे उतरा यहां पर मैंने देखा था यहां आंटी बना रही है पास्ता। भाई देसी स्टाइल में पास्ता बन रहा है, क्वांटिटी बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पास्ता बनाते हैं। तो मैंने सोचा ट्राई किया जाए और इसलिए आपको भी दिखाया जाए। तो चलिए दिखाता हूं मैं कैसे ये प्रिपेयर करते हैं, इसका टेस्ट बताता हूं कैसा होता है, आइए। और क्वांटिटी देखना पास्ता की, एक बारी में इतना पास्ता डलेगा इसको देख के ही टेम्पटिंग हो जाती है खाने की। मैं भी यही देख के आया हूँ कि इसका जो कढ़ाई होता है ना, क्वांटिटी जो होती है ना इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और किस तरीके से ये बनाते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या इसमें डालते हैं, वो सब कुछ मैं दिखा दूँगा आपको। भैया कितनी प्लेटें होंगी वैसे? आपको अंदाजा तो होगा कि इतने कितनी प्लेटें निकल जाएंगी आपकी? 50 जितना हो। आप मोमोज खाना चाहते हो तो मोमोज भी खा सकते हो। कौन कौन से मोमोज मिल जाएंगे भैया यहाँ पे? वेज चिकन पनीर। वेज चिकन और पनीर मिल जाएंगे यहाँ पे। बस असली जो चीज़ है ना, जो मेकिंग दिखाने के लिए लाया हूँ, वो है आपकी पास्ता की। तो भी आगे देखते हैं क्या बनता है। ये डल गया ओरिगानो, बस सीधा अंदाज़ा है अपना कि इतना पास्ता डालना है, उसके ऊपर इतना मसाला डालना है, बस अपने हाथ का अंदाज़ा है। इसके ऊपर ये डालते हैं मैगी, मैजिक मसाला, इसके ऊपर पास्ता के ऊपर ये भी डालते हैं। ऊपर से डल चुकी हैं ये शिमला मिर्च, ये डल गया इसमें मैजिक मसाला। और जो जो चीज़ बताने की होगी यार मैं बताता रहूँगा आपको। ये अब इसमें डलेगा रेड सॉस, इनका जो चटनी होती है। आंटी कौन सी चटनी है ये? मोमोज वाली चटनी है? मोमोज चटनी, ठीक है जी। मोमोज वाली चटनी होती है ना वो डाली जा रही है इसके ऊपर। अब थोड़ा इनका मेकिंग जो होती है ना, बनाने का तरीका, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो भाई ये आपका देसी पास्ता बन रहा है, भूल जाओ भाई इटालियन मैक्सिकन सब कुछ भूल जाओ। करोल बाग आओ, नीचे उतरो और सामने ही आपको दिख जाएंगी ये आंटी। भीड़ अगर मैं दिखा दूं आपको तो एक बार देख लो आप, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। अभी लोग सारे वेट कर रहे हैं। भीड़ देख के इसका टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हो आप, बट मैं असल टेस्ट इसका बाद में ही बताऊंगा, जैसा कि मैं टेस्ट करता हूं उसके बाद ही आपको बता पाऊंगा। खुशबू बढ़िया सी आने लगी है अभी से ही और मौसम भी बढ़िया चकाचक हो गया है। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है यहाँ पे, और सजेस्ट करूँगा अगर आप आते तो मास्क ज़रूर लगाना, जब खाओगे तो तब तो उतारना ही पड़ेगा, बट आप मास्क लगा के ही आना है, बहुत भीड़ है। थोड़ा आंटी से ना बात हो नहीं पा रही है क्योंकि वो भी बनाने में बिजी हैं, तो हम भी नहीं चाहते थोड़ा डिस्टर्ब करें। भैया कितनी देर में बन जाएगा ये? बस बनने वाला है। फिर भी कितना टाइम लगता है एक प्लॉट बनने में? 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट? भाई 5 मिनट में रेडी कर देते हैं ये, बहुत बढ़िया यार, इतना बल्क में 5 मिनट में बन जाएगा ये, देखने वाली बात है। जो चीज़ बताने वाली होगी मैं ज़रूर बताऊँगा, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। वाह भाई खुशबू बढ़िया आ रही है, गरम गरम भपका आ रहा है, गर्मा गर्म जो बस इसका वेट हो रहा है कि कभी हमारे साथ प्लेट में डलेगा पास्ता। और मैं देख सकता हूँ सभी के चेहरे, सारे वेट कर रहे हैं भाई हमारी प्लेट में कब डलेगा पास्ता। और जो बनाने वाले भैया हैं बिल्कुल भी, बस वो भी यही देख रहे हैं कि कब मैं पैक करवाऊँगा। और ये देखो भाई ये बन के तैयार हो चुका है, और जैसा कि भैया ने बोला 5 मिनट के अंदर बन जाएगा। वाह यार 5 मिनट के अंदर बन गया ये तो। अब थोड़ा दिखाते हैं किस तरीके से ये प्लेट में देते हैं। ये और कुछ भी डालोगे इसके अंदर? मेयोनीज और मसाला। ये डल गया आपका जी मेयोनीज, और थोड़ा सा ये डल गया है थोड़ा सा मसाला। कितने रुपए की प्लेट है भैया? 40 का है ये। 40 रुपए की एक प्लेट है? हाफ प्लेट भी मिलता है? हाफ 40 का। ये हाफ ही है? अच्छा। और फुल प्लेट कितने की है?
फुल 60 का है भाई। फुल प्लेट 60 रुपए का और हाफ प्लेट लेना चाह रहे हो तो 40 का। भैया एक प्लेट हमारी भी लगा दो, हाफ प्लेट लगा दो। आवाज़ें आप सुनी रहे हो। अब एक नज़र मार लो भीड़ पे, जो बार बार बस यही कहती नज़र आ रही है कि आंटी मेरा पैक कर दो, आंटी मेरा घर पे लगा दो। ये भैया ने लगा दी हमारी प्लेट, ये हाफ प्लेट है। हाँ जी हाफ प्लेट है। तो भाई क्वांटिटी देख लो, हाफ प्लेट है 40 रुपए की। अब इसका टेस्ट लेना बाकी रह गया, टेस्ट बताता हूँ कैसा है। इसका मास्क मैंने ऊपर ही कर रखा है, आप भीड़ देख ही रहे हो। मास्क मैं चाहता नहीं हूँ कि नीचे करूँ, बट अब खाएंगे तो नीचे करेंगे, तब तक ले मास्क ऑन करें टेस्ट। चलो फिर आपकी इजाज़त के साथ टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला वाइट आपके नाम। जो मसाले हैं ना मुंह में ब्लास्ट हो रहे हैं पूरे। मेयोनीज जो डाल रखी है बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है उसका। अच्छा वेजीज ज़्यादा नहीं है, जो मतलब शिमला मिर्च वगैरह प्याज वगैरह ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है मतलब। ठीक है, सारा पास्ता ही पास्ता है। टेस्ट अच्छा है, मसाले जो है ना बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो रखे हैं, जो ऐसा लगता है ना कि मिक्स नहीं हो पाएगा। इतना सारा पास्ता डाल दिया कढ़ाई में, कैसे मिक्स होगा। मतलब थोड़ा सा लगेगा कि हल्का सा थोड़ा और कुक होना चाहिए, बट मसाले जो है ना पूरी तरीके से मिक्स हो रखे हैं। अरे क्या ना होता है ना, उसकी क्वांटिटी भर भर के डाली हुई है, मुंह के अंदर जाते ही ब्लास्ट हो रहा है टेस्ट में। मसाले ऐसे मुंह में ऐसे घुल रहे हैं ना, ज़बरदस्त टेस्ट है। हाफ प्लेट है ये 40 की, उसके साथ अगर आप चाहते हो कि फुल प्लेट लेना है तो आप 60 रुपये में फुल प्लेट ले सकते हो। तो 40 रुपये में बढ़िया है यार सौदा। तो मैं इसको करता हूँ ख़त्म, वीडियो को करते हैं यहीं एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नए वीडियो में नए खाने के साथ नई जगह पे। थैंक यू।